नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से आप सभी मित्रों को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि अगर हम टेंट हाउस बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहें और हमारे पास पूंजी कम है तो हम इसे किस तरीके से स्टार्ट करें और कौन कौन सा सामान शुरुआत में खरीदें जिससे कि हम आगे जाके प्रॉफिट हो और हम धीरे धीरे अपने टेंट हाउस को बड़ा बना सके। तो दोस्तों, YouTube पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं जिसमें कि आपको बताया जाता है कि टेंट हाउस बिजनेस स्टार्ट कीजिए बिना पूंजी का, 5,000, 10,000 से 20,000 से। तो हम इस तरीके के कुछ नहीं बताने वाले हैं और हम आपको जो बताने वाले हैं वो हम ये बताने वाले हैं कि टेंट हाउस का बिजनेस में बहुत ज़्यादा पूंजी का ज़रूरत पड़ता है। अगर आपके पास पूंजी कम है और आप फिर भी टेंट हाउस बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर हम आपको बताते हैं वीडियो में आगे कि इसे किस तरीके से स्टार्ट किया जाए कम पूंजी में जिससे कि आप आगे जाके सफल हो जाएं। और दोस्तों, टेंट हाउस में सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो है कि ये हमारा सर्विस वर्क है और इसमें हमें कस्टमर को अच्छी सर्विस देना होता है जिससे कि कस्टमर खुश हो के हमें दूसरा भी काम देता है। अगर आप सर्विस उसको अच्छा दीजिएगा तब आपको कस्टमर उसके हिसाब अपने हिसाब से जितना भी उसके लिंक में काम रहेगा और उसके रिलेशन में उसके फ्रेंड के यहाँ तो आपको काम दिलवाएगा। अगर आपका काम अच्छा नहीं होता है तो आपको काम नहीं मिलेगा। अगर आपको काम कहीं मिला भी है अगर मार्केट में तो वो भी कैंसिल हो जाएगा अगर आपका सर्विस अच्छा नहीं है। इसलिए आप जब भी शुरुआत कीजिए थोड़ा दमदार शुरुआत कीजिए, अच्छा सर्विस दीजिए। मार्केट में जितने भी आपके अगल बगल में टेंट हाउस है उससे कुछ अलग टाइप का काम कीजिए आप। शुरुआत में थोड़ा आप कम प्रॉफिट का काम, थोड़ा प्रॉफिट कम कमाइए लेकिन काम थोड़ा अच्छा कीजिए और पार्टी को अपना पूरा 100% दीजिए जिससे कि कस्टमर खुश हो जाए और आपको काम भी मिले आगे फ्यूचर में। दोस्तों, आप देखते होंगे कि आपके शहरों में बड़े बड़े टेंट हाउस जो है वो बहुत कम काम लेते हैं और सीजन में भी बहुत कम काम उनके यहाँ जाते हैं और जाते तो है बहुत ज़्यादा लेकिन काम बहुत कम लेते हैं वो। इसके पीछे रीज़न ये है कि दोस्तों वो लोग अपना ज़्यादातर सामान जो है छोटे टेंट वाले को किराए पे देते हैं और उससे अच्छा खासा वो मुनाफा कमा लेते हैं जिससे वो अपना काम नहीं लेके दूसरे को ही सामान दे देते हैं और अपना बुकिंग बहुत कम रखते हैं। तो अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आप भी ये तरीका अपना कर, क्योंकि आप शुरुआत में आप उतना ही सामान खरीदिए जितना आपको रेगुलर ज़रूरत हो, यानी रनिंग आइटम है। जैसे मैं आगे बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ आपको ख़रीदना शुरुआत में चाहिए और अगर आपको उससे लंबा काम होता है, बड़ा काम मिलता है तो आप किराए पे लाके सामान दे दीजिए। तो जितने भी बड़े टेंट वाले होते हैं वो छोटे टेंट वाले को अपना सामान किराए पे देते हैं और उस सामान से जो है छोटे टेंट वाले वो कस्टमर को देते हैं, अपने कस्टमर को, और वहाँ से फिर कमा के और जो किराया होता है उस टेंट वाले को भी देते हैं और अपना भी प्रॉफिट जो होता है वो रखते हैं। तो इस तरीके से टेंट हाउस चलता है। कुछ ना कुछ आपको किराया भाड़ा पर लेना ही पड़ता है, बड़े से बड़े टेंट वाले को भी ज़रूरत पड़ जाता है तो वो दूसरे टेंट वाले से किराए पर लेते हैं। तो आप शुरुआत में ऐसे कर सकते हैं और धीरे धीरे जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाए तो आप अपना सामान खुद खरीद सकते हैं और धीरे धीरे आप अपना टेंट हाउस को बड़ा कर सकते हैं तो आपको फिर किराए पे लेने का उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, चलिए हम आपको वीडियो में बताते हैं कि शुरुआत अगर हम 1.5 लाख रुपया से करते हैं तो हम क्या क्या चीज़ शुरुआत में ख़रीद लें जिससे कि हमें ज़्यादा सामान ज़रूरत पे किराए पे नहीं लेना पड़े। तो शुरुआत में दोस्तों, जैसे ये टेंट बनाने के लिए सबसे ज़रूरत पड़ते हैं बाँस की ज़रूरत, जो कि हमें किराए पे भी नहीं मिलता है वो चीज़, तो इसलिए बांस हमें ख़रीदना ही पड़ेगा। जो लगभग 100 पीस बांस आपको ख़रीदना पड़ेगा जिसका प्राइस आपको लगभग 10,000-12,000 पड़ जाएगा। उसके बाद दोस्तों, बांस हो गया, कुछ प्लास्टिक चेयर आप ख़रीद लीजिए, प्लास्टिक कुर्सी 50 पीस कम से कम, जिससे कि आप हमेशा कस्टमर वो चीज़ मांगता रहता है तो आप हमेशा किराए पर ला के नहीं दे सकते हैं उन्हें, क्योंकि आपको फिर गाड़ी भाड़ा भी लगता है इस सब चीज़ में। तो 50 पीस कुर्सी, 10 पीस टेबल और कारपेट, क्योंकि कारपेट आप अगर किराए पे लाते हैं तो हो सकता है गंदा कारपेट हो और आपको उसके चक्कर में परेशानी झेलना पड़े, इसलिए कारपेट अपना रखिए और हमेशा साफ़ सुथरा रखिए। उसके बाद दोस्तों, कपड़ा आप ख़रीद लीजिए अपना, जैसे कि कपड़ा उस टाइप का ख़रीदिए जो कि देखने में अच्छा लगे, मैचिंग अच्छा लगे कपड़े का, और मार्केट से थोड़ा हट के ख़रीदिए जो कि दूसरे टेंट वाले जो चला रहे हैं उससे कुछ यूनिक कलर लाइए मार्केट में आप,
अच्छे पंडाल मिस्त्री आप रखिए, अच्छे पंडाल बनाइए, अच्छे टेंट लगाइए, तो आपको काम उसी हिसाब से मिलेगा। और आप जैसे हम आपको बता रहे हैं कि शुरुआत में आपको बांस, कुर्सी, टेबल, कारपेट, कपड़े, बिस्तर, बिस्तर क्योंकि बिस्तर ज़रूरी है, क्योंकि ये एक दिन का चीज़ नहीं है। आपको कस्टमर एक दिन के लिए लेते हैं और 10 दिन रख लेते हैं, तो उस टाइम में अगर आप किराए पे लाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा किराया लग जाएगा, इसलिए कुछ बिस्तर आपको रखना चाहिए अपने पास। उसके बाद पंखे, पंखे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाते हैं कस्टमर को, क्योंकि पंखा आपको अपने पास रहना चाहिए, पंखा तिरपाल भी कुछ रहना चाहिए, क्योंकि मौसम अचानक ख़राब हो जाने से आपको तिरपाल का डिमांड होगा, आपको तिरपाल अपने पास रखनी चाहिए, कम से कम 5 तिरपाल भी अपने पास आपको रखना चाहिए। और उसके बाद हो गया दोस्तों बर्तन आइटम भी आपके अपने पास रहना चाहिए, हाँ ज़्यादा नहीं तो थोड़ा कम ही, लेकिन अपने पास थोड़ा बहुत बर्तन रहना चाहिए, ज़्यादा पड़ने पे आप मार्केट से किराए पे ला के दे सकते हैं आप। उसके बाद दोस्तों जैसे हो गया VIP कुर्सी, टेबल, ये सब आप शुरुआत में मत खरीदिए, इससे आप किराए पे लेके काम चलाइए, धीरे धीरे जब आपको कमाना शुरू हो जाएगा टेंट में तो आप धीरे धीरे उसे खरीद सकते हैं, क्योंकि ये चेयर वगैरह का जो प्राइस है, अगर आप 100 लेते हैं तो 1,00,000 रुपये आपको शुरुआत में ही लग जाएगा, इसलिए आप शुरुआत में ये सब चीज़ मत खरीदिए, उतना ही चीज़ खरीदिए जिसका आपको हमेशा ज़रूरत पड़ने वाला है, वो सब चीज़ आप खरीदिए शुरुआत में, और धीरे धीरे आप अपना टेंट हाउस को आगे बढ़ाइए। दोस्तों जैसे ही आपको ऑर्डर होते हैं कोई बड़े काम का, तो आपके पास वो चीज़ का सामान नहीं है, तो आप जब भी आप ऑर्डर करें, आगे टेंट वाले को ऑर्डर देते हैं, तो आप ऐसे टेंट वाले को ऑर्डर कीजिए वो सामान कि विश्वसनीय हो और आपको समय पे सामान दे सके। बहुत सारे टेंट हाउस क्या होते हैं, सामान आपको गछ लेगा कि हम आपको दे देंगे इतने तारीख को इतना सामान, आप जब लाने जाते हो उनके यहाँ तो आप जो है आपको सामान नहीं देता, बोलता है कि हम कहीं दे दिए हैं ऐसा वैसा, तो आप इस तरीके के टेंट वाले के चक्कर मत पड़िएगा। आप जहाँ से भी लीजिएगा अच्छे, अगर थोड़ा 2 पैसा आपको ज़्यादा लगे तो अच्छे जगह से लीजिएगा, विश्वसनीय आदमी से, कि वो आपको सामान दे सके और आपको संभाल सके समय से। तो और जिससे भी आप समय पे सामान लेते हैं, किराए पे सामान लेते हैं, तो उसका हिसाब किताब आप क्लियर रखिएगा, नहीं तो बाद में फिर कभी ऐसा पड़ जाएगा मुसीबत में आपको सामान वो नहीं देगा, उससे आपका काम ख़राब हो सकता है। तो हमेशा क्लियर होकर रहना चाहिए टेंट हाउस बिजनेस में, तभी आप बिजनेस में आगे बढ़ पाइएगा, और जितने भी लेबर मजदूर जितने भी आपके यहाँ जो काम करते हैं उनका भी आपको हिसाब किताब क्लियर रखना चाहिए, जो कि आपके समय पर काम करे। तो दोस्तों हम ये कह रहे थे कि आप टेंट हाउस में धीरे धीरे पूंजी लगा के आप बड़े बन सकते हैं, और ईमानदारी से अगर आप काम करिएगा तो आपको सफलता भी ज़रूर मिलेगा। तो लेकिन शुरुआत जब भी आप कीजिए टेंट हाउस का, तो दमदार होना चाहिए शुरुआत, दूसरे से कुछ अलग होना चाहिए, सर्विस भी, उसके बाद आपको कुछ क्वालिटी भी, यानी कि जैसे पंडाल ही बनाते हैं तो कुछ अलग टाइप का होना चाहिए जो मार्केट में अगल बगल में आपको बन रहा है, भले आप किराए पे ला के दीजिए, आप थोड़ा प्रॉफिट कम कमाइए, लेकिन दमदार शुरुआत कीजिए, शुरुआत अच्छा होगा, उसके बाद ही आपका बिजनेस रनिंग पकड़ेगा, और एक बार जब आपका नाम हो जाएगा मार्केट में तो काम अपने आप मिलने लगेगा, और काम मिलने लगेगा तो फिर आप पैसा कमाने लगेगा अच्छा खासा टेंट हाउस से। तो यही था आज का हमारा वीडियो में, कि आप किस तरीके से कम पूंजी में स्टार्ट कर सकते हैं टेंट हाउस, तो स्टार्ट आप कर सकते हैं, हम आपको बताए हैं, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आज के वीडियो में बस इतना ही। हाँ दोस्तों, अगर आप पुराना टेंट का सामान खरीदना चाहते हैं तो हम लिंक वीडियो में एक वीडियो बनाए हैं उसके ऊपर, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, आप वहाँ से भी पुराना सामान खरीद के भी अपना टेंट हाउस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जय हिंद दोस्तों।